CF मोटो 400 NK। एक ऐसी बाइक लॉन्च होने वाली है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में जिसको हमें बाइकॉट करना है। गाइज, आप सबको शायद नहीं पता होगा कि CF मोटो एक चाइनीज़ कंपनी है और ये अपनी बाइक्स को अब लाइनअप करी है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और करेंट सिनारियो अगर आपने देखा होगा और आपको पता ही होगा कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से एडवाइस आया है कि जितने प्रोडक्ट्स हैं चाइनीज़ उन सबको बाइकआउट करना है। इसके बाद भी अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपने न्यूज़ में देखा होगा अमीश देवगन जैसे पत्रकार कहते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बाइकॉट करो, बट खुद उनकी मीडिया कंपनी लेनेवो जैसी कंपनी को प्रमोट करती है। उसी सेम चैनल पे उसी वक्त साइड में लेनेवो का ऐड चलता है। सो गाइज, हम सबको बहुत ही सतर्क रहना है और इन सारे प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करना है। जैसा कि मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ तो ये मेरा कर्तव्य आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि ये बाइक अगर इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हो रही है और अगर ये अच्छा सेल्स परफॉर्म करती है तो इससे चाइना को बहुत ज़्यादा फिनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। और फिलहाल अभी जो कंडीशन चल रहा है चाइना और इंडिया में जो लड़ाई चल रही है, इससे ये होगा कि हम अपने देश के अगेंस्ट लड़ाई में उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है और अनजाने में हमसे हो सकता है। इसलिए जानना ज़रूरी है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले कि क्या वो प्रोडक्ट इंडियन बेस्ड कंपनी है या किसी अदर देश के है या चाइना का है। अगर चाइना से कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको हमें टोटली बाइकआउट करना है। सो CF मोटो बेसिकली क्या है? एक मोटरसाइकिल कंपनी है जो कि बेसिकली पहले ATVs बनाती थी, साइड बाय साइड यूटिलिटी व्हीकल और पावर स्पोर्ट्स इंजन वगैरह बनाया करती थी। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1989 में और अब तक इसने 98 मॉडल्स ऑफ व्हीकल को लॉन्च कर दिया है और इनमें 51 टाइप के इंजन्स हैं। अगर बात करें कि ओवर द ग्लोब इन्होंने क्या कैसे स्प्रेड कर रखा है अपनी कंपनी को, तो 272 रजिस्टर्ड पेटेंट इनकी कंपनी है और काफ़ी जगह ये इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका। सो हमें बाकी कंट्री से कुछ नहीं करना, ये बाइक जुलाई या अगस्त में लॉन्च हो रही है, इसको हमें पूरी तरह से बाइकआउट करना है। सो ये वीडियो शॉर्ट एंड क्रिप्स बना रहा हूँ मैं बस इसलिए कि आपको पता चल जाए कि जो बाइक लॉन्च हो रही है इसे हमें नहीं ख़रीदना है। और अगर आपको 400 cc में बाइक चाहिए तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे KTM ड्यूक 390। सो अगर आप KTM ड्यूक 390 लेंगे तो आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको NK 400 में मिलने वाले हैं। सो हम क्यों एक ऐसी बाइक खरीदें जो कि हमारे अगेंस्ट, उससे जो भी मॉनेटरी फ़ायदा होगा वो हमारे अगेंस्ट यूज़ हो। सो अगर आपको CF मोटो के जो 400 NK है अगर उसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक 400 cc की बाइक है जिसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन फ्यूल सप्लाई मिलेगा और इस बाइक में जो फ्यूल आई मीन सॉरी मैक्सिमम पावर है वो 40.9 BHP का है और मैक्सिमम टॉर्क 34 Nm का है। इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, डुअल चैनल ABS, फ्रंट एंड रियर दोनों जगह डिस्क ब्रेक मिलेगा। सो ये सारे फीचर्स आपको अदर बाइक्स में मिल जाएंगे आराम से। आपको 390 आप ले लो, बहुत ही जल्द 490 भी लॉन्च होने वाली है KTM की, वो बाइक कहीं ज़्यादा इससे बेहतर होने वाली है। हाँ, प्राइस में थोड़ा सा आपको 5-10 हज़ार ऊपर नीचे होगा प्राइस का, बट जहाँ देश की बात आती है वहाँ कॉस्ट एफिशिएंट नहीं देखते हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे घर के लिए, हमारे देश के लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, इतना ही कहूँगा कि हमें पूरी तरह से CF मोटो की जितनी बाइक्स लॉन्च होंगी, चाहे वो 400 NK हो या कोई भी बाइक हो CF मोटो की, हमें पूर्णतः उसका बाइकआउट करना है। एंड आई होप आप लोग बिल्कुल हमारे साथ हैं और हम चाइना के अगेंस्ट बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहेंगे। सो गाइज, ये थी वीडियो एक चाइनीज़ कंपनी को लेके जिसको हमें बाइकआउट करना है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।